तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम किस तरीके से एआई की हेल्प से अपने किसी भी इमेज में 2D ग्राफिक्स को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो हम देखेंगे कि हम किस तरीके से 2D ग्राफिक्स को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस काम को हम जिस एआई सॉफ्टवेयर की हेल्प से करने वाले हैं उसका नाम है स्टाइलर एआई। तो स्टाइलर एआई जो है अभी तो फिलहाल ये फ्री है, लेकिन मेरे को नहीं पता है कब तक फ्री रहने वाला है, तो आप इसका वक्त रहते इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हाउ टू टर्न 2D ग्राफिक्स इनटू 3D विद स्टाइलर एआई। तो हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप के इंटरफेस में और आप जो है स्टाइलर एआई को फोन और डेस्कटॉप दोनों में आप इसको एक्सेस कर सकते हो। मैं डेस्कटॉप में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे समझाना थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है। तो इसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम आ जाएंगे यहाँ से अपने क्रोम ब्राउजर पर। तो हम आ गए हैं यहाँ पर अपने क्रोम ब्राउजर पर और आपको जो है अपने सर्च बार में जो है स्टाइलर एआई करके यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। और जब आपको यहाँ पर जो पहला वेबसाइट आपको जो शो होगा यहाँ पर आपको टैप करना है। तो इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया है, तो वहाँ पर भी आप टैप करके इसी वाले वेबसाइट में आप रीडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर टैप करेंगे तो हम आ गए हैं यहाँ पर स्टाइलर एआई के साइनअप वाले पेज में। तो सबसे पहले यहाँ पर साइनअप करेंगे तभी हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो साइनअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा साइनअप प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हम स्टाइलर एआई के मेन इंटरफेस में आ चुके हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को स्टाइलर एआई के बारे में एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो स्टाइलर एआई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आप अपने किसी भी इमेज को अलग अलग स्टाइल्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि उसको 3D लुक दे सकते हो, इसको इलस्ट्रेशन टाइप लुक दे सकते हो, ड्रीमी लुक दे सकते हो, जो आप चाहो जैसा मर्जी आप लुक देना चाहो आप दे सकते हो, अलग अलग स्टाइल्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और इसके अलावा आपको यहाँ पर और भी एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें जनरेटिव फिल, जनरेटिव रिमूव, बैकग्राउंड रिमूव और यहाँ तक कि इमेज जनरेशन का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के आपको ये एडिटिंग का पूरा आपको पैकेज प्रोवाइड करवा देता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मेरा इंटेंशन ये समझाना बिल्कुल भी नहीं है कि स्टाइलर एआई को कैसे यूज़ करना है, बल्कि ये समझाना है कि स्टाइलर एआई का यूज़ करते हुए 2D ग्राफिक्स को 3D में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये इस वीडियो का इंटेंशन है, ठीक है। तो 3D ग्राफिक्स जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आ जाएंगे यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जो है अभी पिकाचू के 2D इमेज को 3D में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर उसी प्रोजेक्ट के लिए मैं यहाँ पर नाम टाइप कर देता हूँ पिकाचू 3D करके, ठीक है। और यहाँ से इसको कर देंगे अप्लाई। तो हम आ गए हैं स्टाइलर एआई के एडिटिंग इंटरफेस में और जो है आपको यहाँ पर ग्राफिक्स जनरेट करने के लिए 200 क्रेडिट्स मिलते हैं पर वीक। मतलब ये जो 200 क्रेडिट्स हैं ये इस हफ्ते तक के लिए ही वैलिड है और अगले हफ्ते फिर से नए 200 क्रेडिट्स यहाँ पर एड ऑन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं पिकाचू का इमेज यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ क्योंकि हम उसको 3D में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो हमने जो है पिकाचू का इमेज अपलोड कर दिया है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये जो है पूरी तरह से कैनवास पर फिट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो फिट टू कंटेंट वाला ऑप्शन है इस जगह पर टैप करेंगे, तो ये जो है हमारा जो कैनवास पूरी तरह से इसी के शेप का हो जाएगा। अब जैसे कि हमको इस इमेज को 3D में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर जो ऑप्शन हो रहा है इमेज टू इमेज वाला यहाँ पर हमको टैप करना है और ये इसका स्टाइलराइज वाला सेक्शन है जहाँ से हम इसको अलग अलग स्टाइल्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई एक स्टाइल पिक कर लेता हूँ पहले। तो देखो यहाँ पर आपको अलग अलग स्टाइल्स मिल जाते हैं, तो हमको जो है इसको 3D में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमको उसके लिए रिलेवेंट यहाँ पर स्टाइल चुनना होगा, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा है। तो इमेज को 3D फॉर्म में स्टाइलराइज करने के लिए यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं, एक है ड्रीमी 3D और एक है रियलिस्टिक। तो आप दोनों ऑप्शंस के साथ आगे बढ़ सकते हो, तो मैं भी रैंडमली यहाँ पर रियलिस्टिक वाले के साथ आगे बढ़ूंगा, आप ड्रीमी 3D के साथ भी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस पर टैप करेंगे और यहाँ पर हमने इसका स्टाइल चुन लिया है और जो है इस वाली जगह में हमको प्रॉम्प्ट के थ्रू इसको एक्सप्लेन करना होगा कि हम किस तरीके का इसमें जनरेशन चाहते हैं। तो यहाँ पर मैनुअली प्रॉम्प्ट लिखने के बजाय हम जो है यहाँ पर ऑटो प्रॉम्प्ट करेंगे, तो इससे जो होगा ये ऑटोमेटिकली खुद AI इसका प्रॉम्प्ट लिख करके दे देगा। तो इस पर टैप करेंगे तो इसने जो है हमारे लिए प्रॉम्प्ट लिख करके दे दिया है, अ येलो कार्टून कैरेक्टर पिकाचू इज पोजिंग फॉर अ पिक्चर विथ हिज आर्म्स। इस तरीके से यहाँ पर इसने पूरा लिख करके दे दिया है। तो अब हमको क्या करना है, ये जो स्ट्रक्चर मेथ वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर हम इसको पूरा बढ़ा देंगे और इसको करेंगे स्टाइलराइज। तो अब देखते हैं किस तरीके से हमारे लिए 3D ग्राफिक्स जनरेट करता है। तो फाइनली यहाँ पर इसने जो है हमारे लिए इमेज जनरेट कर दी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये एक इमेज है, ये एक है, ये एक है और ये एक है। अभी मेरे ख्याल से इसने उतना बेहतर नहीं करा है, मेरे ख्याल से प्रॉम्प्ट में मेरे को मैनुअल चेंजेस करने की ज़रूरत है, तभी ये जाकर के बेहतर तरीके से रिजल्ट जनरेट करेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रॉम्प्ट में थोड़े चेंजेस करता हूँ, इसको बताता हूँ कि हमको 3D इमेज जनरेट करना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर अ येलो कार्टून कैरेक्टर की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अ 3D येलो कार्टून कैरेक्टर लुकिंग रियलिस्टिक, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है इसको एडिशनली इन्फो दे दिया है कि एक 3D येलो कार्टून कैरेक्टर लुकिंग 3D रियलिस्टिक करके। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको फिर से री स्टाइलराइज करेंगे, तब देखते हैं कैसे जनरेट करता है ये।
तो फाइनली यहाँ पर हमारे लिए इसने जो है इमेज जनरेट कर दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक इसने जनरेट कराया है, ये एक है और ये एक है। तो मेरे को जो है ये वाला अच्छा लग रहा है और ये भी अच्छा लग रहा है, तो क्या करता हूँ मैं इन दोनों को, और तीसरा वाला भी अच्छा लग रहा है यार, तो मैं क्या करता हूँ इन तीनों को जो है कैनवास पर ऐड कर देता हूँ। तो इस पर टैप करेंगे तो ये जो है तीनों इमेजेस जो है हमारे कैनवास पर ऐड हो चुके हैं। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर लेयर्स में भी प्रीव्यू इनका दिखाता हूँ कि किस तरीके से शो होंगे। देखो ये जो थी हमारी ओरिजिनल फोटो थी और ये यहाँ पर इसने इसका 3D ग्राफिक जनरेट करा है। आप देख सकते हो काफ़ी रियलिस्टिक तरीके से इसने जनरेट करा है, बहुत सही है यार ये। और उसके अलावा ये दूसरा वाला इमेज है, पहले ये था, मैंने यहाँ पर तीनों इमेजेस को यहाँ पर एक के ऊपर एक लेयर्स के फॉर्म में यहाँ पर ऐड करा है। ये तीसरा इमेज है, तो ये इमेज मेरे को काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, काफ़ी 3D लग रहा है। तो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो ये जो एक्सपोर्ट वाला जो ऑप्शन आपको यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर आपको टैप करना है और यहाँ पर आप उसको जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो फिलहाल अभी मैं इसको यहाँ पर स्किप करूँगा। अभी रिसेंटली मैंने दूसरे प्रोजेक्ट में यहाँ पर नारुतो का एक इमेज अपलोड करा है, अब इसको हम 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इमेज टू इमेज वाले ऑप्शन पर वापस टैप करेंगे और यहाँ पर स्टाइल्स चुन लेते हैं अपने। अब यहाँ पर हम टैप करेंगे ड्रीमी 3D पर, पहले हमने रियलिस्टिक पर टैप करा था, अब ड्रीमी 3D वाला लुक देख करके देखते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर ऑटो प्रॉम्प्ट करेंगे, तो इसने जो है हमारे लिए प्रॉम्प्ट लिख करके दे दिया है। अब क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को यहाँ से कर देंगे पूरा फुल, स्टाइल इंटेंसिटी को इतना ही रहने देंगे और इसको करेंगे स्टाइलराइज। अब देखते हैं किस तरीके से जनरेट करता है इसको 3D में। तो इसने जो है हमारे लिए चार इमेजेस जनरेट करा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक है, ये है दूसरा, ये तीसरा है और ये चौथा है। ये चौथा वाला मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट लग रहा है, इस पर टैप करेंगे और यहाँ पे इसको करेंगे प्लेस टू कैनवास पर। तो ये हमारे कैनवास पर ऐड हो चुका है, जैसे हमारी ओरिजिनल फोटो थी कुछ इस तरीके से, और ये AI जनरेटेड फोटो है, आप देख सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा सही इसने जनरेट कराया है, और मतलब इसने जो है कलर्स को ठीक तरीके से बिल्कुल पिक करा है कि किस तरीके से इस कैरेक्टर पर कलर सूट करेगा, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। यहाँ पर जो है मैंने डिजर्ट का एक इमेज ऐड करा है, इसको हम जो है 3D रियलिस्टिक लुक देंगे। तो उसके लिए इमेज टू इमेज वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे और स्टाइल पिक कर लेंगे और यहाँ पे प्रॉम्प्ट ऑटो प्रॉम्प्ट जनरेट कर लेते हैं। प्रॉम्प्ट तो ठीक है, स्ट्रक्चर इमेज को यहाँ से कर देंगे फुल और इसको करेंगे स्टाइलराइज। अब देखते हैं कैसे ये जनरेट करता है। तो यहाँ पर जो इसने हमारे लिए इमेजेस जनरेट कर दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। अरे यार क्या जनरेट करा है यार इसने, अरे पूरे ही मेरे ख्याल से सही है यार, इसने काफ़ी ज़्यादा एडवांस तरीके से इसने जनरेट करा है। मैं एक एक करके ना सभी को कैनवास पर ऐड करता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर लेयर्स के थ्रू कि कैसे इसने जनरेट करा है। तो ये हमारा अभी जो जनरेट करे हमने इमेज वो वाला है, ये हमारा जो ओरिजिनल इमेज था वो कुछ इस तरीके से था और यहाँ पर AI ने जो इस तरीके से इमेज जनरेट करा है। मतलब मेरे को उम्मीद थी कि ये 3D तो करेगा लेकिन कुछ ज़्यादा ही रियलिस्टिक भी कर दिया इसने, बहुत सही है। तो ये इमेज मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे को ना ये वाला पोर्शन काफ़ी खाली खाली सा लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ट्री यहाँ पर जनरेट करूँगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस वाले लेयर पर टैप करेंगे और ये यहाँ पर ऑप्शन जो आपको इनेबल हो जाएगा, यहाँ से जो जनरेटिव फील वाला जो ऑप्शन है इस पर टैप करेंगे और इस वाले पोर्शन को हम जो यहाँ से हाईलाइट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कैक्टस ट्री, ताकि यहाँ पर एक कैक्टस ट्री को ऐड कर दे, ठीक है। अब यहाँ से इसको कर देंगे जनरेट। तो फाइनली इसने जो हमारे लिए जनरेटिव फील का यूज़ करते हुए यहाँ पर ट्री ऐड कर दिया है। जैसे ये एक पहला वाला ऑप्शन है, इसे चार ऑप्शन प्रोवाइड करें हमको, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। चौथे में तो खाली छोड़ दिया, नहीं नहीं ये हमारा ओरिजिनल फाइल था। मेरे को कौन सा वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला ठीक लग रहा है मेरे ख्याल से। तो ये हमारे कैनवास पर ऐड हो चुका है। अगर आप इसमें और भी कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो आप जनरेटिव फिल का यूज़ कर सकते हो, जनरेटिव रिमूव का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कुछ रिमूव करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको इसको रिमूव करना है तो आप जनरेटिव रिमूव का यूज़ कर सकते हो। बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और किसी पार्ट का सिलेक्शन करना चाहते हो तो इससे सिलेक्शन भी कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास ये डॉग का एक पेंटिंग है, इसको जो मैं 3D लुक देना चाह रहा हूँ, तो ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल हो सकता है, इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर टैप करेंगे और यहाँ पर स्टाइल पिक कर लेते हैं, ऑटो प्रॉम्प्ट कर लेंगे, जनरेट कर लेंगे प्रॉम्प्ट हमारे लिए। द इमेज फीचर्स अ वाइट डॉग विथ हिज टंग आउट। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर करेक्शन करना चाहूँगा मैं, ये जो यहाँ पर पेंटिंग जो शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है इसको यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि वरना ये ना पेंटिंग के फॉर्म में इसको जनरेट कर देगा। अब ये ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को कर दिए फुल और यहाँ से स्टाइलराइज करेंगे इसको। अब देखते हैं किस तरीके से जनरेट करता है। तो इसने जो है हमारे लिए चार ऑप्शन जनरेट कर दिया है डॉग के, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला ऑप्शन मेरे को ज़्यादा सही लग रहा है, ये ऑप्शन है, ये कैसा है, ये भी ठीक है। ये दोनों को मैं कैनवास पर ऐड कर देता हूँ, जिससे हमारा जो ओरिजिनल जो इमेज था वो ऐसा था और इसने हमारे लिए जनरेट कराया कुछ इस तरीके से।
मतलब आप ड्राइंग के थ्रू भी जो है इमेजेस जनरेट कर सकते हो, ये भी एक अल्टरनेटिव है इसको यूज़ करने का। और ये कैसा था, मतलब इस डॉग का जो कलर स्कीम है थोड़ा अलग है और इसका थोड़ा कलर स्कीम अलग है, तो इस तरीके से आप जो यहाँ पर इमेजेस जनरेट कर सकते हो। तो ये है वो चार इमेजेस जो मैंने इस AI सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए 3D ग्राफिक्स के फॉर्म में इससे जनरेट करवाया है। तो कुछ इस तरीके से आप जो है स्टाइलर AI का यूज़ करते हुए अपने किसी भी इमेज में 2D ग्राफिक्स को 3D में कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो ये था सब कुछ आज के इस वीडियो के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो सेटिस्फाइंग लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि मैं इस टाइप के कंटेंट इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। तो मिलेंगे आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।